आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले दोस्तों स्कूल कॉलेज या फिर अपने ऑफिस के लिए डाटा टेबल कैसे बनाते हैं, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एम एस एक्सेल को खोल लेंगे दोस्तों और उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ आप देखते जाइए, आप भी सीख जाइएगा। एक और कॉलम को ले लेते हैं और इसको हम लोग मर्ज कर देंगे मर्जर सेंटर में जाके। उसके बाद जो हमें बनाना हो बना देंगे। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्कशीट बना रहे हैं, आप मार्कशीट बनाना सीख जाइए, इसी साथ बहुत कुछ बनाना सीख जाइएगा। इसको सेंटर में कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये 11 है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 20 कर देते हैं। इसका कलर हम लोग अपने अनुसार ले लेंगे, तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ। उसके बाद इसमें हम लोग लेते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, फिर फुल मार्क्स ले लेते हैं या फिर टोटल मार्क्स कितना है, कितना नंबर लाया, ऑब्टेंड मार्क्स। इसमें आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग से ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं लूँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज का दोस्तों। अब इन कॉलम्स को एडजस्ट कर लेते हैं, इनका साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ये हम लोग का सारा एडजस्ट हो गया। नाम वाला थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि नाम एडजस्ट हो जाए। चलिए रोल नंबर लेते हैं, एक से शुरू करते हैं और इसको राइट साइड में नीचे पर क्लिक करके स्क्रॉल कर देंगे और इसका ऑप्शन में जाकर कर देंगे फिल सीरीज, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसका नाम ले लेते हैं हम लोग कोई भी, एग्जांपल के लिए राम ले लेते हैं पहला, फिर ले लेते हैं श्याम। इसी तरह एग्जांपल के लिए छह लड़कों का नाम हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग टोटल मार्क्स में 500 ले लेते हैं और इसी को स्क्रॉल डाउन कर देंगे राइट क्लिक करके। चलिए फिर यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में जाएंगे और जितना भी इनका मार्क्स आया है वो ले लेंगे। हम लोग एग्जांपल के लिए कुछ भी ले ले रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, इक्वल टू डालकर, जहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पर फुल मार्क्स आया वहाँ पर क्लिक कर देंगे और डिवाइड का दे देंगे और उसके बाद डिवाइड बाय 5, तो 5 सब्जेक्ट का लेंगे तो 5 डिवाइड करेंगे और बाकी अगर आप और ज़्यादा सब्जेक्ट रहेगा तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो सारा में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इसमें सारा में, तो ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग वन बाय वन और बॉर्डर पर जाएंगे और बॉर्डर ऑल पर क्लिक कर देंगे। ये हम लोग का बॉर्डर लग गया और सारे लेटर्स को हम लोग सेंटर में कर लेंगे। ये हम लोग का डाटा बनकर रेडी हो गया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।